गर्मी के मौसम में ठंडी का एहसास। चलो गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क घर पे करते हैं शिज़ुका। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हारे घर पर होमवर्क नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों सुनियो? क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, समझे? तुम्हारे घर का एसी खराब है ना, और मेरे घर के सभी कमरों में एसी लगा हुआ है। फ्रीजर में ढेर सारी आइसक्रीम्स हैं। मेरे गार्डन के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा बहती है। अच्छे से पढ़ाई करनी है तो अच्छे वातावरण में बैठना चाहिए। नोबिता के घर में तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगी। कोई बात नहीं शिज़ुका, सूर्यो के घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करना। क्या सच में? चलो चले शिज़ुका। जानती हो हमारा एसी फॉरेन से आया ना, इसलिए अच्छा है। क्या कहा, तुम्हें शिफ्ट होना है? सभी कमरों में एसी और आइसक्रीम, बड़ा गार्डन और पेड़ की जगह पढ़ाई। क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पेड़ के नीचे हम ठंडक महसूस कर सकते हैं। बस शांत हो जाओ नोबिता, इतनी सी बात में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतनी सी बात? ये इतनी सी बात नहीं है डोरेमोन। ठीक है, चलो शिफ्ट करते हैं ऐसे घर में जहाँ सभी कमरों में एसी हो और बड़ा गार्डन और पूल हो। अब क्या करना है? बस सीधे चलते रहो नोबिता। अब धीरे से झुक जाओ। इस तरह? संभल कर वरना तुम्हें लग जाएगी। संभल कर बस सीधे चलते रहो, आराम से। हम कहाँ जा रहे हैं? फिक्र मत करो नोबिता। ठीक है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। अरे वाह, देखा, ये कितना बड़ा गार्डन है। यहाँ बहुत तरह के पेड़ हैं और यहाँ पे असली फूल भी है। और यहाँ पे एसी भी है डोरेमोन, और यहाँ पूरे 10 कमरे हैं नोबिता। मजा आ रहा है। अरे वाह, कितना सुंदर है, यहाँ से गार्डन कितना खूबसूरत दिख रहा। तुम यहाँ पर सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। सच में? पेड़ की छाव, फूल और एसी वाले कमरे भी? हाँ, सब तुम्हारे लिए है। और फ्रीजर में आइसक्रीम भी होगी ना डोरेमोन? अगर आइसक्रीम चाहिए तो पैसे देने होंगे। क्या, मुझे इसके लिए पैसे देने होंगे? ये लो। ठीक है, लेकिन डोरेमोन इतने पैसे में एक ही आइसक्रीम मिलेगी। एक ही आइसक्रीम काफी है, तुम बस मेरा कमाल देखते जाओ। मतलब क्या डोरेमोन? मैं यहाँ पर गार्डन में घूम सकता हूँ, पूल इस्तेमाल कर सकता हूँ, कितना मजा आएगा। मैं ले आया। ये क्या? ये तो सब लोग खा सकते हैं, क्यों है ना डोरेमोन? तुम ये तो गुलिवर टनल है, इसका मतलब मैं छोटा हो गया हूँ। डोरेमोन, तुमने मुझे टॉय दिखाकर झूठ बोला। लेकिन ये कोई टॉय नहीं है, ये छोटा घर बिजली बचाने के लिए बनाया गया है। क्या मतलब डोरेमोन? हाँ, क्योंकि इससे बिजली बच सकती है। एक दिन बिजली नहीं रहेगी और दिए जलाने के लिए तेल भी नहीं बचेगा, इसीलिए हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इस घर में हम एक ही बैटरी से एसी, टीवी सब कुछ चला सकते हैं, और ठंड में हीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो बहुत सारे फायदे होते हैं, इसका मतलब हम सब छोटे होंगे। हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, छोटे रहने पर भी परेशानियाँ होती हैं, तो ये कभी कभी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये शिज़ुका को दिखाऊंगा। अगर ये ऐसा है तो सुनियो, ये ऐसा हो जाएगा। हे सुनियो, और फिर वो ऐसा हो। क्या तुम सुन रहे हो? सुना सुना सुना। तो जल्दी से इस गर्मी को भगाने के लिए कुछ करो। माफ करना, अचानक ये एसी खराब हो गया है। तो यहाँ बैठे मत रहो, समझे? जाकर उसे ठीक करो। मुझे लगता है गार्डन में पढ़ना अच्छा होगा, क्योंकि बाहर ठंडी हवा बह रही है, देखो तो जरा। हाँ। आ, आ,
जहाज में तेज हवा, बहुत धूल आ रही है। आंखों में धूल गई मेरे। लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकती हूँ। शिजुका रुका था। अब फ्रीजर में रखी आइसक्रीम खाने का समय हो गया है। सुनियो। हाय शिजुका, मैं शिफ्ट हो गया हूँ, तुम चलोगी मेरे साथ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है ये। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, तुम ये सब इस्तेमाल कर सकती हो। चलो पूल में खेलते हैं। लेकिन उससे पहले हम पढ़ाई करेंगे। शिजुका के सामने तुम कितने अच्छे से पढ़ रहे हो नोबिता। डोरेमोन चुप हो जाओ। तो आज की पढ़ाई पूरी हुई, तो चलो अब पूल में खेलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। तुम मुझ पर हंस रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा, मेरी हंसी नहीं रुक रही। तुम वापस हंस रहे हो? ये बहुत मजेदार है नोबिता। तुम्हें सच में मजा आ रहा है ना शिजुका? मजा आ रहा है। अरे नहीं, वो तो नोबिता है। तुमने सही कहा। मुझे एक अच्छा आइडिया आया है रियान, मैं बताऊं तुम्हें? बताओ क्या है तुम्हारा अच्छा आइडिया? देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह शिजुका, तुम यहाँ का कोई भी कमरा इस्तेमाल कर सकती हो। मैं बहुत खुश हूँ डोरेमोन। जानते हो अभी मैंने म्यूजिक रूम में वायलिन देखा और मैं उसे बजाना चाहती हूँ। यहाँ कोई साउंड प्रूफ कमरा नहीं है डोरेमोन। यहाँ ऐसा कोई कमरा नहीं है। क्या कहा तुमने डोरेमोन? आग, आग, आग लगी है। अरे नहीं, चलो यहाँ से। चलो जल्दी। क्या हो रहा है? बाल बाल बच गए। अरे जियान यहाँ पर। हम इसे ले जा रहे हैं। चलो इस घर को मेरे गार्डन में लगाते हैं। ठीक है ठीक है। सुनियो, मुझे नहीं मिले। मुझे भी। शायद वो उसे लेकर उनके घर चले गए होंगे। ये लो। सुनियो, ये बहुत मजेदार था। हाँ, सही कहा तुमने। ठीक है, वक्त हो गया है अंदर जाने का। आइसक्रीम आ गई। ये आवाज कैसी? ये क्या हो रहा है, इतनी आवाज? पता नहीं, खैर मुझे आइसक्रीम चाहिए। जाओ सुनियो, जाकर देखो कौन है। नहीं जिया, तुम जाकर देखो ना। मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम जाओगे। मैं भी नहीं जाना चाहता। क्या? अरे ये क्या किया तुमने? सुनियो भागो यहाँ से। जल्दी करो, अगर हम गली पर जनन में गए तो हम बच जाएंगे। बचाओ, पीछे देखो। बचाओ, अरे तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? क्योंकि मैंने तुम पर आइसक्रीम गिरा दी थी, इसलिए उस पर निशाना लगा रहे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? वो वहाँ है। बहुत बढ़िया। बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। लेकिन वो दोनों कहाँ है? hey! मैं यहाँ पर हूँ। मैं यहाँ हूँ। आवाज तो आ रही है पर वो दिख नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ?
क्या हुआ डोरेमोन? समझ गया, वो लोग गलती से बाहर आने वाली जगह से अंदर चले गए, इसीलिए और छोटे हो गए हैं। ये लो। ये कौन सा गैजेट है? ये बस मैग्नीफाइंग ग्लास है। ठीक है, अलग अलग होकर उन्हें ढूंढते हैं। कहाँ गए? हमें बहुत ध्यान से ढूंढना होगा।